What is going on, everybody? Welcome back to the channel. And ये वीडियो में जो है गाइस हम बात करने वाले हैं अबाउट द वैलोरेंट मोबाइल एंड या बहुत बहुत ये गेम जो है गाइस मतलब इतना पता नहीं लाइक आप ही मुझे बता दो लाइक आप इस गेम के लिए अभी एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो या फिर हाइप्ड अप हो या फिर नहीं हो। हाइप्ड अप बहुत थी पब्लिक, आई थिंक मैं भी बहुत था जब सुना कि भाई वैलोरेंट यू नो पीसी वाला मोबाइल के लिए आ रहा है, पोर्ट होके आ रहा है एंड ऑफिशियल रायोट ला रही है। हमने गेम प्लेस वगैरह भी देखा एंड अभी जो आप सामने गेम प्ले देख रहे हो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो है गाइस पीसी पोर्टेड गेम है एंड इतना अच्छी तरीके से जो है गाइस इसके विजुअल्स वगैरह है। सो गाइस डू लेट मी नो स्टार्टिंग में कि आपके क्या थॉट्स है, आपको ये गेम पसंद आएगा या फिर आप प्रेफर करोगे पीसी पे ही खेलना क्योंकि पीसी पे भी ये गेम फ्री है, ऊपर से ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत है नहीं, लेकिन मोबाइल पे आ रहा है। शायद से मोबाइल में जब आता है तब ये कॉम्पिटेटिव साइड में ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि ऑलरेडी अपने इंडिया में वैलोरेंट तो भाई मतलब आई थिंक अगर बीजीएमआई के बाद अगर हम ई स्पोर्ट के कैटेगरी में फिर थोड़ा कॉम्पिटेटिव गेम अगर हम देखें तो शायद से वैलोरेंट आता है, उसके बाद और अदर गेम्स वगैरह आते हैं। सो देखा जाए तो इंडिया में तो इसका गेम का बहुत स्कोप है एंड जो हम यहाँ पे गेम प्ले देख रहे हैं फिलहाल के टाइम में ये जो गेम प्ले है गाइस ये लेटेस्ट गेम प्ले है, लेकिन ये लेटेस्ट टेस्ट का गेम प्ले है बट ये जो है शायद से डेढ़ या फिर दो हफ्ते पुराना गाइस। ठीक है, अभी जो है गाइस ये बिल्ड अभी काम नहीं करता, अभी जो है ऑफ कोर्स इसके सर्वर्स बंद हो चुके हैं, लेकिन ये एक टेस्टिंग है, बेटा वर्जन है इसके। इतने सारे बेटा आ गए, इतने सारे अल्फाज आ गए, लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी जो भी आ रहे बेटा वर्जन या फिर जो भी अल्फा वर्जन है टेस्टिंग के, सो ये जो भी है गाइस इसकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गेम प्ले अगर मैं आपको बता सकता हूं एंड उसी वजह से आप ये गेम प्ले देख रहे हो, अदरवाइज पहले जो था गाइस पहला बहुत स्ट्रिक्ट था, वैलोरेंट ने यू नो स्ट्राइक्स वगैरह भेजते थे, मुझे खुद को एक स्ट्राइक मिली थी बहुत पहले जब ये गेम प्ले वगैरह शेयर करना का अलाउ नहीं था, लेकिन अभी जो है गाइस सब अलाउ है। यहां पे जो है गाइस एक बंदे की क्लिप है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है गाइस उसका क्रेडिट दे दूंगा एंड जैसे हम यहां पे ग्राफिक्स गेम प्ले वगैरह देख रहे हैं तो एक जो है वो बहुत अच्छी बात लग रही है कि गेम बहुत अच्छी तरीके से फर्निश हो रहा है एंड आई थिंक ये जब तक गेम 100% मतलब बोलते हैं ना एकदम लाइक अप टू डेट अच्छी तरीके से लाइक ग्लोबल वर्जन के लेवल का जब तक ये गेम फिनिश नहीं होता ना आई थिंक तब तक ये लोग लॉन्च नहीं करने वाले हैं। एंड ऐसी स्टेटमेंट जो है गाइस ऑफिशियल रायोट के यू नो एम्प्लॉइज या फिर रायोट के पर्सन ने भी दी है। आई थिंक कुछ महीने पहले एक ऐसी वीडियो रिलीज हुई थी, रायोट डेवलपर्स ही जो है यहाँ पे बात कर रहे थे वैलो मोबाइल की एंड उन्होंने जो है खुद से अपने मुंह से कहा कि जब तक गेम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो लोग खुद कुछ कहेंगे नहीं एंड इस वजह से रायोट की तरफ से जो है भाई मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब रायोट वाले ने वैलोरेंट मोबाइल के बारे में कुछ भी बात नहीं की, यू नो कुछ भी ऐसी ऑफिशियल पोस्ट नहीं डाली, बट यहाँ पे जो है सभी रिसेंटली ऐसे बहुत रूमर्स शेयर हो रहे हैं एंड ऐसे बहुत बहुत हायर चांसेस है कि जनवरी में यू नो जो अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है, नया साल होने वाला है, कुछ ही दिन बचे, 10-12 दिन बचे, तो जनवरी में जो है गैस या तो अर्ली जनवरी या तो लेट जनवरी, ठीक है, या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में जो है गैस हमें यहाँ पे एक मेजर अपडेट या फिर अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है रिलेटेड अबाउट द बेटा वर्जन एंड ये ग्लोबल वर्जन होगा या फिर ग्लोबल बेटा होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी आए मोस्टली जो है गाइस ये सब चाइनीज वाले बेटास थे, आई थिंक सब जो था यहाँ पे टेंसेंट काम करा रही थी, लेकिन बट अभी जो गाइस वर्जन आएगा वो शायद से ग्लोबल वर्जन होगा एंड अगर ग्लोबल वर्जन में टेंसेंट का नाम आया समझ जाओ टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, अगर यहाँ पे रायोट वगैरह हुआ, पब्लिशर रायोट वगैरह हुआ, लेकिन फिर भी डेवलपर्स तो भाई ये गेम तो डेवलप भाई टेंसेंट ही कर रहा है। ठीक है, टेंसेंट का हाथ इसमें कुछ ना कुछ तो है ही है, यू नो घुल मिलावट होने ही वाली है, तो ये इंडिया में लॉन्च होने के भाई मतलब चांसेस तो मतलब अभी है भी नहीं भी है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। एंड शायद से रायट वाले को पता है कि इंडिया मार्केट में इनका गेम कितना चलता है, पीसी वर्जन ही देख लो। सो मेरे हिसाब से जो है रायट वाले कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जुगाड़ कर ही लेंगे कि इंडिया में जो है ये गेम हमें खेलने को मिल जाए, बट फिलहाल के टाइम में जो है ऐसे कुछ तो ये गेम है अच्छा खासा लग रहा है, यू नो आई डोंट थिंक कि भाई और कुछ इसमें कमी लग रही है मुझे, भाई अच्छा खासा फ्लेश्ड आउट गेम लग रहा है, मूवमेंट्स अच्छे है, यू नो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, ऑफकोर्स वैलोरेंट मोबाइल पे खेलना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पावर्स अप होते हैं हर एक स्पेशल कैरेक्टर्स के, तो वो सब यू नो लाइक उंगलियों से ऑपरेट करना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है प्रॉब्ली यू नो न्यू प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे जो ऑलरेडी फोर फिंगर वगैरह क्लॉवी के भाई प्रो प्लेयर्स है वो लोग जो है गाइस आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है गाइस घुल मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स गेम के अंदर जायरो है, कंट्रोलर सपोर्ट आई डोंट थिंक ये होगी क्योंकि वैलोरेंट में कंट्रोलर अगर हुआ तो वो शायद से बहुत ब्रोकन चीज हो सकती है, अगर कंट्रोलर सपोर्ट आया तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बट देखते हैं। यहाँ पे जो है गाइस कंट्रोलर सपोर्ट के बारे में फिलहाल के टाइम में कुछ आइडिया नहीं है, बट रही बात अबाउट द गेम प्ले, रही अबाउट द ग्राफिक्स बहुत तगड़े लग रहे हैं, हर एक जो मैप है यहाँ पे पीसी पोर्टेड ही लग रहा है, उसके जो टेक्सचर्स है शेडोज है, तो विजुअल कैटेगरी में गेम बहुत अच्छा है एंड रही बात अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन या फिर चलने की कैटेगरी में, तो चलने के कैटेगरी में भी ये गेम बाप है। फिलहाल के टाइम में ये बेटा वर्जन्स में चल रहा है, अल्फा वर्जन्स में चल रहा है, लेकिन ये गेम के अंदर जो है गाइस जो आप FPS अनलॉक कर सकते हो 120 FPS है गाइस,
बेटा कंडीशन में ये गेम 120 FPS तक आपको देता है. ऑफकोर्स आपका गेम या फिर मोबाइल केपेबल होना चाहिए, लेकिन आई थिंक 120 FPS डूड इट इज इनसेन स्टार्टिंग के प्रोसेस में. आई थिंक जब तक ये गेम ग्लोबल लॉन्च वगैरह होता है एंड तब तक यू नो अभी जो गेम मोबाइल्स है वो तगड़े है, काफी तगड़े है एंड काफी के स्क्रीन जो है 140 अभी नॉर्मल चीज हो गई है, 144 FPS, कोई 240 भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक है ना 240 FPS का कोई तो एक मोबाइल है शायद, आई थिंक रेड मैजिक या फिर कोई तो है, लेकिन वो दिन दूर नहीं गाइस कि मोबाइल पे भी जो है गाइस 240 हर्ट्ज की या फिर 240 FPS की गेमिंग होगी. तो बहुत एक्साइटेड हो गाइस ये चीजों के लिए एंड ये थी फिलहाल के टाइम में वैलोरेंट मोबाइल की न्यूज. आई नो बहुत सारे जन आप एक्साइटेड हो, भले आप खेलोगे या फिर नहीं खेलोगे वो सब आपका ओपिनियन है, लेकिन यू नो एक न्यू गेम आ रहा है, एक पीसी पोर्टेड गेम आ रहा है एंड वो भी वैलोरेंट जो ऑलरेडी अपने इंडिया में इतना अच्छा खासा यू नो लाइक ब्लो अप हो चुका है. सो मे बी आप जो है गाइस यहां पे इंटरेस्टेड होंगे. डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में क्या थॉट्स है आपके इस गेम के. यहां पे जो है गाइस इस गेम का बैटल पास वगैरह भी वो सब जो है गाइस यहां पे चाइनीज बेटा में स्नीक पीक हो चुका है, बट अभी उस पे भरोसा रखे, यो बैटल पास सिमिलर वैसा ही आएगा या फिर नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि यू नो पूरा गेम टेस्टिंग कंडीशन में है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है, बेटर हो सकती है, जो भी है. इतना ही था गाइस आज के वीडियो में इस वैलोरेंट मोबाइल का. डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स है इस गेम से रिलेटेड एंड भाई जल्दी आ जाए यार, भाई लिटरली जल्दी आ जाए भाई, इसके इतने टेस्ट देख लिए, इसके इतने गेम प्ले देख लिए, लेकिन अभी तक जो है गाइस खुद खेलने का मौका मिला नहीं है. सो होप फॉर द बेस्ट गाइस कि अगले महीने में ये गेम ग्लोबल बेटा के यू नो फेज में आ जाए एंड हम सब जो है गाइस खेल सके. डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही शॉर्ट या फिर छोटा प्ले टेस्ट होगा ये, सबको शायद से मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो है गाइस कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा रिलीज होता है तो. सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो चले गए तो लाइक कर देना एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.